नमस्कार दोस्तों, कैरियर डेस्ट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश समसामयिक की जनवरी से सितंबर 2017 का भाग तीसरा। इससे पहले हम एमपी करंट अफेयर के दो वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आजकल मध्य प्रदेश शासन व्यापम, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पटवारी आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। इस एमपी करंट जीके में हमने मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री, आयोजन कार्यक्रम आदि से संबंधित घटनाओं पर आधारित प्रश्न उत्तरों का समावेश किया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ग के विद्यार्थियों को विभागीय छात्र गृह योजना का लाभ मिलेगा? इसका आंसर है पिछड़ा वर्ग ओबीसी, पोस्ट मैट्रिक स्तर के छात्रों को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी। नेक्स्ट, समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम क्या है? अधिकारियों को अपनी विभागीय जानकारी के साथ एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में निर्धारित तिथि समय पर उपस्थित होते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग सीएम करते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य को ग्रामीण आजीविका मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश राज्य को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पर्यटन पर स्कूल क्विज प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? इसका आंसर है 9 अगस्त। नेक्स्ट, जबलपुर में पावन लूम और मिष्ठान नमकीन क्लस्टर किस मंत्रालय के अधीन बन रहे हैं? इसका आंसर है केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग औद्योगिक विकास निगम जबलपुर में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग किस लिए गठन किया गया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ जन राज्य परिषद के गठन के लिए। नेक्स्ट, किसने नेशनल जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर कुमारी पूजा दांगी, जो कि नासिक तलवारबाजी प्रतियोगिता हुई थी नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, इंदौर में स्वास्थ्य नवाचारों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? इसका आंसर है 6 से 8 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को देश में सस्ता इलाज के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? महिला कृषकों के स्वयं सहायता समूह गठित कर रही है। स्वरोजगार से संबंधित सभी चयन समिति की बैठक अब प्रत्येक मंगलवार को कहां आयोजित होगी? जिला पंचायत भोपाल, 7 जुलाई 2017 से। मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में मद निषेध सप्ताह, दारू निषेध सप्ताह कब मनाया गया? इसका आंसर है 2 से 8 अक्टूबर 2017 तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट, रावण एक अपराजित योद्धा पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है शैलेंद्र तिवारी, लेखक एवं पत्रकार हैं जो। नेक्स्ट, सेवा गाथा व्यवसाय किससे संबंधित है? इसका आंसर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सेवा प्रभाग विभाग से संबंधित। मुख्यमंत्री जी ने 9 जुलाई 2017 को समन्वय भवन भोपाल में इसका लोकार्पण किया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के संचालन में निरंतर सृजन संवाद कब आयोजित हुआ? इसका आंसर है 11 जुलाई 2017 को भोपाल में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पशुधन एवं गौ संवर्धन बोर्ड का नया नाम क्या रखा है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश गौ पालन एवं गौ संवर्धन बोर्ड। 10 जुलाई 2017 को मंत्रिमंडल में निर्णय लिया इसका। पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य जी हैं। नेक्स्ट, ग्रीन गणेश अभियान 2017 का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर 10 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, ललमा अभियान क्या है? नेक्स्ट, इसका आंसर है मध्य प्रदेश के बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करवाने के लिए है। नेक्स्ट, शाला सिद्धि प्रोत्साहन योजना कब से शुरू की गई थी? नेक्स्ट, 18 जुलाई 2017 को इसका आंसर। यह योजना 25,000 शालाओं में शुरू की थी। नेक्स्ट, प्रदेश सरकार ने जैविक बीज उत्पादन के लिए कितने शासकीय प्रक्षेत्रों का चयन किया है? इसका आंसर है 8 प्रक्षेत्र। मध्य प्रदेश में जैविक नीति
11 मई 2011 से लागू है। नेक्स्ट, रीडिंग हैबिट प्रोग्राम मध्य प्रदेश में कब प्रसारित किया गया? 22 और 29 जुलाई केंद्र सरकार द्वारा संचालित पढ़ें भारत बढ़े भारत के अंतर्गत प्रसारित हुआ। नेक्स्ट, सुपर 100 योजना 2017 क्या है? शासकीय स्कूलों से हाई स्कूल परीक्षा 2017 में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले छात्रों को मध्य प्रदेश शासन राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट, गौण जनजाति में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा धारावाहिक बनाया गया है? इसका आंसर दाई लड़का जान जी जहान विज्ञान। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर मैपकास्ट भोपाल एवं विज्ञान प्रसार नई दिल्ली द्वारा इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्या है? इसका आंसर 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने पर उच्च शिक्षण संस्थान की फीस सरकार देगी। CBSE में 85% से अधिक लाना पड़ता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इसका आंसर है श्री R.K. स्वाई 22 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? श्रीमती लता बानखेड़े जी। नेक्स्ट, रुक जाना नहीं योजना किस परिषद के अंतर्गत आती है? राज्य ओपन शिक्षा परिषद के अंतर्गत आती है। इस योजना का प्रारंभ 2016 में हुआ था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कार पालन समिति कब गठित की गई थी? इसका आंसर है 25 जुलाई 2017 को। यह समिति जनजातीय कार मंत्रालय भारत सरकार की आदिवासी उप योजना के प्रतिपादन क्रियान्वयन के लिए जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 2 दिवसीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? भोपाल में 29 से 30 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, NHDC लिमिटेड से मध्य प्रदेश शासन को वर्ष 2016-17 का लाभांश कितना प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है 374,46,24,000 रुपए। यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत निगम है। इसकी 2 परियोजनाएं हैं। नंबर 1 इंदिरा सागर 1000 मेगावाट की, दूसरी ओंकारेश्वर 520 मेगावाट की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कहानी उत्सव राज्य स्तर पर कब आयोजित होगा? शिक्षाविद श्री गिजू भाई के जन्म दिवस पर 29 नवंबर 2017 को। नेक्स्ट, अगस्त माह में कौन सा जिला प्रधानमंत्री आवास में 5वें स्थान पर रहा? दतिया जिला मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्रता पर्ची जारी करने की समय सीमा मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी में आवेदन करने की अब कितनी हो गई है? 15 दिवस में इसका निराकरण किया जाएगा। इसका आंसर है 15 दिवस। नेक्स्ट, साक्षर भारत कार्यक्रम में नव साक्षर परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य में कब आयोजित की गई? इसका आंसर है 20 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा युवा सम्मान कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? 9 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट, विज्ञान एक्सप्रेस ट्रेन क्या है? विशेष रूप से बनाई गई रेलगाड़ी जिसमें 16 कोच की वातानुकूल ट्रेन पर स्थापित एक मोबाइल प्रदर्शनी है। यह केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विज्ञान एक्सप्रेस ट्रेन है। यह भोपाल के हबीबगंज स्टेशन को 7 अगस्त को पहुंची थी। नेक्स्ट, 11वीं विज्ञान मंथन यात्रा कब से कब तक चलेगी? इसका आंसर 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश मिशन एक्सीलेंस कार्यक्रम में मैपकास्ट भोपाल द्वारा आयोजित होगी। नेक्स्ट, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा 11 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट, सुमित्रा कुमार चौहान स्मृति समारोह 16 से 17 अगस्त को कहां मनाया जाएगा? सुमित्रा कुमारी चौहान का समारोह 16 से 17 अगस्त जबलपुर में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश वनोपज संघ के अध्यक्ष कौन हैं? श्री महेश कोरी वनोपज संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 18 अगस्त 2017 को। इस बार मध्य प्रदेश राज्य शासन ने सद्भावना दिवस मनाया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में श्रम विभाग अंतर्गत दुकानों का पंजीयन कितने दिन में होगा? 1 दिन में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का शुभारंभ समारोह कब और कहां मनाया गया? इसका आंसर 20 अगस्त 2017 को भोपाल में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वर तीर्थ यात्रा ग्वालियर से कब रवाना हुई? इसका आंसर है 6 सितंबर 2017 को। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ 3 सितंबर 2012 को हुई थी। नेक्स्ट, पुस्तक नरेंद्र से नरेंद्र के लेखक कौन है?
इसका आंसर श्री कैलाश नारायण सारंग। इस पुस्तक की प्रस्तावना अमिताभ बच्चन ने लिखी है। नेक्स्ट, कोयला विकास के लिए किससे बीच अनुबंध हुआ है? केरवा कॉल लिमिटेड एवं भारत सरकार के बीच 18 अगस्त 2017 को। केरवा कॉल लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम और छत्तीसगढ़ का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट, औषधि बिना नियामक पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहां और कब आयोजित हुई? इसका आंसर है 21 से 22 अगस्त 2017 को भोपाल में। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पर कार्यशाला 22 से 23 अगस्त को कहां आयोजित हुई? इसका आंसर भोपाल। आयोजक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 86 लाख से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड कब वितरित किए गए? मुद्रा हेल्थ कार्ड 22 अगस्त 2017 को वितरित किए गए। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट रेरा का पंजीयन क्या है? नई परियोजना और नए होम लोन आवेदनों में रेरा का पंजीयन आवश्यक होगा। इसके अध्यक्ष श्री एंटोनी डिसा हैं। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप से श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीयन कब से शुरू हुआ? श्रमिक कल्याण से संबंधित योजनाओं का पंजीयन 22 अगस्त 2017 से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, किस नेशनल पार्क के बफर जोन में वन प्राणियों से फसल क्षति को रोकने के लिए सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी? नेशनल पार्क बांधवगढ़ में सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी। यह किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगाई जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण पर भोपाल में प्रदर्शनी कब से लगाई जाएगी? इसका आंसर 13 से 19 नवंबर 2017 तक। नेक्स्ट, मिल बांचे मध्य प्रदेश का आयोजन कब किया गया था? इसका आंसर 25 अगस्त 2017। नवीन गर्भ निरोधक साधन अंतरा और छाया का शुभारंभ कब किया गया? 29 अगस्त 2017 को भोपाल में किया गया। अंतरा इंजेक्शन वाला गर्भ निरोधक साधन है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। नेक्स्ट, बच्चों की जान बचाने वाले पुलिस आरक्षक को मुख्यमंत्री जी ने कितनी पुरस्कार राशि दी है? 50,000 रुपए। सागर जिले के हेड कांस्टेबल श्री अभिषेक पटेल को। कृषक अरविंद यादव को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कितनी राशि का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री ने सौंपा? इसका आंसर 4,33,844 रुपए। अशोकनगर जिले के ग्राम धौरा निवासी को मुख्यमंत्री जी द्वारा 27 अगस्त 2017 को चनेरी में कार्यक्रम के दौरान सौंपा। नेक्स्ट, जल चौपाल में क्या होता है? ग्रामवासियों की पेयजल समिति का गठन किया जाता है। पेयजल की कमी दूर होती है। लोक स्वास्थ्य यंत्र की विभाग द्वारा इसका संचालन होता है। लोक स्वास्थ्य यंत्र की विभाग मंत्री सुश्री कुसुम मेहंदेले जी हैं। नेक्स्ट, स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि के तहत निबंध एवं लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है 31 अगस्त 2017 को भोपाल में भारत सरकार द्वारा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती जी हैं। नेक्स्ट, एनिमल बर्थ कंट्रोल अभियान कहाँ से कब शुरू किया गया? इसका आंसर बुरहानपुर से 1 सितंबर 2017 से। मध्य प्रदेश में पशुजन नियंत्रण नियम 2001 लागू के अंतर्गत आवारा कुत्तों के लिए। नेक्स्ट, राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं को निराकरण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तरा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, राजशिखर सम्मान में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? इसका आंसर 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जी द्वारा सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में जियो और जीने दो सिद्धांत को अपनाने को कहा, यह आयोजन कब और कहां? इसका आयोजन 3 सितंबर 2017 को भोपाल में किया गया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के 385 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कितने स्वच्छता परिसर बनेंगे? उनकी संख्या होगी 392। नेक्स्ट, इस वर्ष मोगली उत्सव स्कूल स्तर पर कब से मनाया गया? 26 अगस्त 2017 से। नेक्स्ट, नगरों को स्वच्छ बनाने की पहल पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? विधानसभा भोपाल में 6 सितंबर 2017 को। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री मती माया सिंह जी हैं। नेक्स्ट, आकाशवाणी दूरदर्शन पर मुख्यमंत्री जी युवाओं से संबंध कार्यक्रम कब किया? इसका आंसर है 10 सितंबर 2017 को दिल से कार्यक्रम में। नेक्स्ट, लाडली शिक्षा पर्व का आयोजन कब किया जाएगा? इसका आंसर है 12 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट, रजत रंग क्या है? मराठी फिल्मोत्सव अकादमी मराठी फिल्मों पर केंद्रित है जो 9 से 10 सितंबर 2017 को भोपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ में किस वर्ष को और सम्मिलित किया गया है? इसका लाभ 2016 के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। नेक्स्ट,
साक्षर भारत योजना में मध्य प्रदेश को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं वर्ष 2016-17 के लिए। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2007 को मनाया गया। नेक्स्ट, विश्व बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर। नेक्स्ट, फसल कटाई प्रयोग में मोबाइल ऐप किस फसल से अनिवार्य किया गया है? खरीफ फसल 2017 प्रयोगकर्ता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, जनसंवाद पदयात्रा किसने किया? सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री विश्वास सारंग जी। इन्होंने विश्वास ऐप मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जो सीधे जनता से संवाद करने के लिए फायदा पहुंचाएगा। नेक्स्ट, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंध योजना किससे संबंधित है? कचरे से बिजली और खाद बनेगी। नेक्स्ट, एरा प्रथा क्या है? आवारा पशु प्रबंधन। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म संसद के विजय उद्बोधन की 125वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 12 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट, मीडिया उद्यमिता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? भोपाल में। पूर्व मंत्री और विधायक श्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया, कहां के विधायक निर्वाचित थे? मुगावली, जिला अशोकनगर से। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण संचालक को कितने स्कॉच अवार्ड मिले हैं? 4 अवार्ड। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर पेयजल सुविधा किससे संबंधित है? शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्थायी पेयजल व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट, आयुष ग्राम योजना क्या है? गांव के एक एक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित करना। नेक्स्ट, अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? आकाशवाणी रेडियो कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस पर पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन द्वारा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए गए? 16 सितंबर 2017 को इफ्को ऑडिटोरियम भोपाल में। नेक्स्ट, भोपाल कलेक्टर कौन है? कलेक्टर डॉक्टर श्री सुदामा खाड़े जी। नेक्स्ट, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई संचालन वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जी ने 17 सितंबर 2017 को सेवा दिवस पर कौन से जिले में शौचालय निर्माण के लिए श्रमदान किया? राजसमंद जिले के ग्राम रतनपुर में। नेक्स्ट, स्वच्छता ही सेवा अभियान क्या है? शौचालय के गड्ढे खोदने का अभियान 17 सितंबर 2017 से लागू है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कालिदास समारोह कब से कब प्रारंभ होगा? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2017 तक उज्जैन में चलेगा। नेक्स्ट, 5 दिवसीय सिंधु महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? इसका आंसर है 21 से 25 सितंबर 2017 तक मनाया गया। नेक्स्ट, स्वरोजगार योजना के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मध्य प्रदेश में कहां शिविर लगेंगे? मध्य प्रदेश में 2 जगह शिविर लगेंगे, इंदौर में 5 अक्टूबर तथा भोपाल में 10 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट, स्वच्छता के आधार पर कौन सा मंत्रालय विद्यालय को पुरस्कृत करेगा? इसका आंसर है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। इसका पुरस्कार वितरण 31 मार्च 2018 को किया जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रेस इंक्लेव के प्रवेश द्वार का लोकार्पण कहां किया? भोपाल में 24 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट, जहां पर सर्वाधिक अंगदान हुए मैं उसमें देश में इंदौर का कौन सा स्थान रहा? 3रा स्थान। देवी धाम सलकनपुर, जहां पर मां विजयासन विराजमान है, यह कौन से जिले में है? सीहोर जिले में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितनी सेवाएं दी जा रही हैं वर्तमान में? 372 सेवाएं 7/9/2017 से। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 25 सितंबर 2010 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, बत्स पालन प्रोत्साहन योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है? इसका आंसर पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा। नेक्स्ट, सिर्फ कंप्यूटर के सामने बोलने से FIR दर्ज हो जाएगी, इस पर कौन सा राज्य काम कर रहा है? मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कोको कोला के प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? होशंगाबाद में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह जी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट, पर्यटन पर्व की शुरुआत कब से होगी? इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2017 तक होगी। नेक्स्ट, ऑनलाइन प्रकृति खोज पर्यावरण खोज कब आयोजित होगी? 8 अक्टूबर 2017 को आयोजित होगी। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित होगी। तो हमने मध्य प्रदेश से संबंधित करंट सामान्य ज्ञान पर यह वीडियो देखा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। वैसे
आपको लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि एमपी करंट जीके के प्रश्न इन तीनों भागों के अलावा शेष रहते हैं तो जनवरी से सितंबर 2017 को चौथा वीडियो भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। हमारा यह वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।